चलो फ्रैंगल भैया ने जितना बोला उतना काम तो मैंने कर ही दिया है। गाइज आप सभी को बता दूं, आज मैं फ्रैंगल भैया चुप हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं और उसके लिए फ्रैंगल भैया ने सारे बैग पैक किए थे और वो मैं उठा के यहाँ ले आया। लेकिन अब गाड़ी के अंदर मैं नहीं रखने वाला है क्योंकि मैं भाई बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अब जो काम बचा है वो चुप करेगा क्योंकि चुप सिर्फ खाता रहता है और सोता रहता है। यार मैं इतना छोटा हो के भी इतना सारा काम करता हूँ, मुझे लगता है अब सारा काम फ्रैंगल भैया चुप को करना चाहिए। ए चुप, ए चुप ऊपर है। अरे क्या हुआ सिंचन, तुझे दिखता नहीं है मैं और फ्रैंगल भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। अरे यार काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बात है फ्रैंगल भैया, चलो चुप को बोलो अब सारा काम करे। मैंने बैग ऊपर रख दिए, ठीक है? ठीक है सिंचन, ठीक है। चाह चुप एक काम कर, फटाक से ना सारे बैग्स को। ओए ओए भाई मेरे हाथ में चोट लगा है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लो गाइस इसके बहाने शुरू, लिटरली में ये चुप ना बहुत ज्यादा आलसी है और सिंचन सारे काम कर देता है। कोई बात नहीं सिंचन, वो काम मैं कर देता हूँ। चुप द भुक्कड़, बस खाने के अलावा कुछ मत करियो यार। फ्रैंगल भैया मेरे हाथ में चोट लग, ओए लग रहा है मेरा हाथ टूटा है फ्रैंगल भैया। मैं समझ गया समझ गया, एक काम कर तू आराम से चल के ना ऊपर ही आ जा, वही बहुत है। गाइस अभी फिलहाल ना मैंने सिंचन ने एंड हाँ उस मोटे चुप ने हम तीनों ने प्लान बनाया है कि आज हम तीनों घूमने जाने वाले हैं। और गाइस इतना सारा सामान इस सिंचन ने अकेले ऊपर रखा है। फ्रैंकल भैया मुझे इस काम के बदले में कुछ मिलेगा क्या है? सिंचन हम लोग घूमने जा रहे हैं और गाइस इस ट्रिप में जितने पैसे खर्च होंगे सिंचन जो भी खाएगा या चुप जो भी खाएगा मैं खिलाने वाला हूँ, ठीक है ना सिंचन? फ्रैंकल भैया लेकिन खाने पीने का सामान बैग में तो पैक कर दिया है। मेरे खाने पीने का सामान पैक कर दिया सिंचन? अरे हाँ चुप, तेरा मेरा फ्रैंगल भैया सबके खाने का सामान पैक कर दिया है। बहुत सारा खाना वाटर बोतल ये सब कुछ है हमारे बैग में। फ्रैंगल भैया अब हम लोग चले क्या है? हाँ सिंचन अब चलते हैं, लेकिन वेट उससे पहले ना हमें अपने घर का दरवाजा बंद करना चाहिए। गाइस अभी फटाक से सारा सामान रखते हैं। फिलहाल गाइस अभी ना मैंने घर के डोर को लॉक कर दिया है जिससे हमारे घर में कोई घुसे ना और हमारे घर में चोरी ना हो। और सिंचन मैंने सारे बैग्स को अपनी कार में रख दिया है। फ्रैंगल भैया चुप को देखो, वो कोई काम नहीं कर रहा आजकल। अरे मैं क्या काम करूँ, मैंने बताया ना मेरे हाथ में चोट लगी है। फ्रैंगल भैया देख लो ये चुप झूठ भी बोल रहा है। चुप एक बात बता, तुझे चोट कब लग गई? अरे रात में मैं अपने बेड में से गिर गया था। लो झूठ पकड़ा गया। फ्रैंगल भैया ये तो बेड में सोता ही नहीं है। अरे अरे मेरा मतलब कि मैं फिसल गया था। रहने दो तुम दोनों शांत रहो। सिंचन ये चुप ना बहुत ज्यादा आलसी हो गया है। गाइस घर का कोई काम नहीं करता, मैं और सिंचन सारा काम हम दोनों करते हैं। फिलहाल अभी गाइस फटाफट यहाँ से निकलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, वरना हमारी ट्रेन जर्नी लेट हो जाएगी और हमें टिकट भी नहीं मिलेगा यार। फ्रैंगल भाई सही बोला है, इस चुप के बच्चे की वजह से हमारी ट्रेन की टिकट भी मिस हो जाएगी। चलो चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ऑलराइट गाइस अभी फिलहाल ना मैं सिंचन एंड चुप यहाँ से निकलते हैं। सबसे पहले गाइस हमें ना टिकट बुक करानी पड़ेगी। फ्रैंगल भैया वैसे हम लोग घूमने कहाँ जा रहे हैं? चुप सोच हम लोग कहाँ जा सकते हैं? हम लोग जाएंगे पार्क। लो फ्रैंगल भैया ट्रेन से हम लोग पार्क में जाएंगे। अरे चुप तू थोड़ा पागल है क्या, हम लोग जाएंगे बहुत दूर घूमने। फ्रैंगल भैया बता दो कहाँ पर। वैसे गाइस अभी डिसाइड तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ हमें जहाँ की टिकट मिलेगी हम वहाँ के लिए निकल जाएंगे। फिलहाल आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। फिलहाल गाइस यहाँ देखो ये लोग पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग कर रहे हैं। सुनो यहाँ पे स्मोकिंग करना बिल्कुल मना है। अरे मैं स्मोकिंग करूँ या कुछ भी करूँ आखिर में तुम कौन होते हो रोकने वाले? वेट मैं सबसे पहले बता दूँ कि स्मोकिंग करना गलत बात होती है, और तो तुम्हें करना है तो करो पब्लिक प्लेस मत करो, वरना सोच लो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। अरे अरे ठीक है भाई हम लोग जा रहे हैं। ए जा कल मिलते हैं हम लोग घर में, ठीक है? ठीक है भाई कल मिलते हैं, ये आदमी हमें छोड़ेगा नहीं। फ्रैंगल भैया ये लोग आपसे डर कैसे गए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सिंचन क्योंकि रूल के हिसाब से ना सिगरेट पीना गलत बात तो है, लेकिन वो पी सकते हैं अपने अपने घरों के अंदर, पब्लिक प्लेस में बिल्कुल भी नहीं। चलो गाइस अभी यहाँ से निकलते हैं। और गाइस वेट हमें टिकट कहाँ से मिलेगी, क्योंकि ना हमें जल्द से जल्द और कहीं जाने की टिकट ना बुक करानी होगी। वैसे भी गाइस लॉस सैंटोस में काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, और गाइस गर्मी तो इतनी ज्यादा पड़ रही है हमारे पसीने रुके नहीं रहे। अभी आप लोग भी बताना कि आप लोग जहाँ पर रहते हो वहाँ पे आप लोग को गर्मी लगती है या नहीं लगती है,
या फिर वहाँ पे बारिश हो रही है, आई थिंक वहाँ पे धूप लग रही होगी। तो चलो यहाँ से निकलते हैं और फटाफट पहुँचते हैं टिकट काउंटर। यार फ्रैंकल भैया, हम लोग ट्रेन की टिकट बुक कहाँ से कराएंगे, ये तो हमने सोचा ही नहीं। शिनचैन, आई थिंक हमें टिकट लॉस एंजेलिस के मेट्रो स्टेशन में मिल जाएगी या फिर बस स्टैंड। वेट, दोनों में से क्या पास है ये देखने दे यार। गाइस, मैं आप सभी को बता दूं, मैं शिनचैन चौप, हम तीनों जा रहे हैं बस स्टैंड। गाइस, हमारे लोकेशन से ना बस स्टैंड काफी ज्यादा पास में है, इसीलिए फटाफट जाते हैं और वहाँ से ट्रेन की टिकट बुक करते हैं। वैसे गाइस, आप लोग जरूर बताना कि आपको ट्रेन में जर्नी करना पसंद है या नहीं है। मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। शिनचैन चुप हो जा, तेरे से नहीं बोल रहे फ्रैंकल भैया, ठीक है। अरे यार, फिर तुम दोनों शुरू हो गए, चुपचाप बैठे रहो। और गाइस, ये देखो हमारी ग्रैंड एंट्री हो चुकी है बस स्टैंड में। लिटरली में मैंने वो तोड़ दिया और सीधा अंदर। और गाइस, यहाँ पे एक बस भी खड़ी है और वो देखो सामने ही टिकट काउंटर है। अभी वहां से ना फटाफट मेरी शिनचैन की एंड चॉप की, हम तीनों की टिकट बुक कराते हैं। फ्रैंकल भैया जाओ, टिकट बुक कराओ जल्दी से यार। चुप, एक काम कर, नीचे है और खुद टिकट बुक कर ले अपनी। अरे मुझे बुक करना नहीं आता। फ्रैंकल भैया आप ही बुक करो, लेकिन थोड़ा जल्दी करो ना। ठीक है, कर रहा हूँ। गाइस, ये चॉप कोई काम तो करता नहीं, बस बैठे बैठे ऑर्डर देता है। वेट चॉप, तू वहीं पे बैठा रही हो, इधर आया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लिटरली में यार, सुबह से चॉप ने दिमाग खराब कर रखा है। फ्रैंकल भैया छोड़ो ना चॉप को, आप फटाफट टिकट बुक करो। अब कहाँ की करनी है वो आप खुद डिसाइड कर लो यार। वेट गाइस, टिकट कहाँ की अवेलेबल है पहले ये देखना पड़ेगा। वेट, गर्मी के हिसाब से हमें जाना चाहिए नॉर्थ यंगटन। तो गाइस, एक काम करता हूँ, शिनचैन और मेरी नॉर्थ यंगटन की टिकट ले लेता हूँ, और हाँ उस चॉप की भी। चलो फटाफट पे करता हूँ और फटाक से टिकट लेता हूँ। फिलहाल गाइस, अभी टिकट मिल चुकी है और हमारी टिकट कंफर्म भी हो गई है। तो गाइस, आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। और गाइस वेट, एक कोड भी आया है 7898। शिनचैन, ये कोड याद रखियो, ये भूल गए ना तो हम लोग ट्रेन में सफर नहीं कर पाएंगे यार। फ्रैंकल भी ऐसी बात है क्या? तो गाइज, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग ट्रेन में ट्रेवल करें तो आप लोग ये कोड लिख दो 7898। अगर आप लोग ये कोड लिख दोगे तो मेरी फ्रैंकल भैया की बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं और फ्रैंकल भैया हम दोनों ये कोड भूल गए तो यार हम लोग ट्रेन में ट्रेवल नहीं कर सकते, है ना फ्रैंकल भैया? सही बोला ना मैंने? बिल्कुल सही शिनचैन। गाइज, अगर ये कोड मैं भूल गया ना तो मैं शिनचैन एंड चॉप ट्रेन में सफर नहीं कर पाएंगे, और गाइज इसके ऊपर हमारे सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे और टिकट्स भी बर्बाद हो जाएगी। तो गाइज, आप लोग हमारी हेल्प करना चाहते हो तो फटाफट से 7898 टाइप कर दो फटाक से। तो जस्ट गाइज, आप लोग टाइप करो, मैं यहाँ से निकलता हूँ। शिनचैन, खाने पीने का सारा सामान रख लिया था, अभी फिलहाल कोई सामान रह रहा है तो याद कर ले, स्टेशन पहुँच के बोलेगा तो मैं तुझे दिलाऊंगा। नहीं यार फ्रैंकल भैया, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि गाइज मैंने अपनी सारी फेवरेट चीजें, खाने पीने की A to Z सारी चीजें पैक कर ली है। और चॉप, तेरा खाने पीने का सामान रख लिया है ना तूने? फ्रैंकल भैया, चॉप का मैंने ही रखा है, ये चॉप खुद कुछ करता नहीं है, बस मेरे पे ऑर्डर चलाता है। शिनचैन, अरे ठीक है यार, अगली बार सारा काम मैं करूंगा, अब तो तूने करा, अगली बार सारा काम मैं कर दूंगा। ओके, अभी फिलहाल निकलते हैं। ऑल राइट गाइज, अभी मैं ना लोकेशन में पहुंचने वाला हूं जहां से मेरी ट्रेन बोर्ड करेगी। लेकिन वेट, मुझे यहां से एक शॉर्टकट पता है जिससे हम लोग गाइज जल्दी पहुंच सकते हैं, पुल के नीचे। हाँ शिनचैन, यहां से हम लोग फटाफट जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं यार। फ्रैंकल भैया, ये कहाँ लेके जा रही हो यार? अरे आराम से फ्रैंकल भैया। अरे भाई यार, फ्रैंकल भैया क्या कर रहे हो आप? सॉरी चॉप, वो ब्रेक काम नहीं करे और हम लोग सीधे नीचे आ गए। कोई बात नहीं गाइज, शॉर्टकट लेते हुए ना फटाक से पहुंचते हम लोग रेलवे स्टेशन में। और ये देखो, फ्लावर बिना पार किए हम लोग पहुंचने वाले हैं स्टेशन में यार। फ्रैंकल भैया, हमें तो बहुत टाइम लगता है गाइज, अगर हम लोग फ्लाईओवर से आते तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। हाँ शिनचैन, बात तो सही है, और गाइज लोकेशन तो यही है। फ्रैंकल भैया देखो, पटरी भी दिख गई यार। हाँ चॉप, और यही हमारा स्टेशन है। गाइज अभी फिलहाल मैंने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है। अभी चॉप, तेरा काम है सारा लगेज उतार के ना यहाँ रख दे, ठीक है ना? ठीक है फ्रैंकल भैया, ये काम तो मैं आराम से कर दूंगा। चल चॉप, फटाफट उठा उठा, चल बैग निकाल सारे। अरे मैंने बोला ना मैं सारे काम कर दूंगा, ठीक है ना? ऑल राइट गाइज, अबे फिलहाल ना चॉप ने सारे बैग अकेले यहाँ पे रख दिए हैं। लिटरली में गाइज,
अभी हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का, ट्रेन आएगी और हम लोग बोर्ड कर जाएंगे। अभी फिलहाल आप लोग नीचे देखो, नीचे कितना गहरा पानी है। सिंचैन एंड चॉप, मैं तुम दोनों को इसके नीचे फेंक दूं क्या? फ्रैंगल भैया, हम दोनों मिलके आपको फेंक देंगे, ध्यान रखना है। सिंचैन, फेंकने से पहले मेरी बात तो सुन ले। वो देख सामने हमारी ट्रेन आ रही है और गाइस वो बहुत स्लो स्लो आ रही है क्योंकि उसे यहाँ पे ब्रेक मारना है। और गाइस वो ब्रेक मारेगी, हमारे टिकट चेक होंगे और हम लोग बैठ जाएंगे ट्रेन में। चलो, ट्रेन फिलहाल आ ही चुकी है यार। अरे वाह, हमारी ट्रेन कितनी मस्त लग रही है, चप देख बिल्कुल साफ है। सिंचैन, लगता है ट्रेन धो के आई होगी ना? हाँ गाइस, ट्रेन साफ होकर आई होगी, इसीलिए गाइस हमारी ट्रेन ना चमचम आ रही है। ये देखो, ट्रेन रुक रही है और फिर चल रही है, ये क्या हो रहा है? आई थिंक ड्राइवर थोड़ा और आगे लेके जाएगा, और आगे। अरे रुक दो अंकल, हम लोग इसी ट्रेन के पैसेंजर हैं। हाँ सिंचैन, वो रुक रहे हैं, बस वो फटाक से इंजन को ऑफ कर दे, उसके बाद बाहर आएंगे और हमारी टिकट्स को चेक करेंगे। यार मैंने ट्रेन को पार्क तो कर दी है, अभी जाता हूँ पैसेंजर्स को बोर्ड कराता हूँ, लेकिन उससे पहले टिकट्स चेक करना ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है क्योंकि आजकल पैसेंजर्स बिना टिकट के भी ट्रेवल कर रहे हैं। लॉस सैंटोस रेलवे डिपार्टमेंट ने सख्त ऑर्डर दिए हैं, बिना टिकट किए और हाँ बिना कोड के पता किए पैसेंजर्स को नहीं बैठाना है। बच्चे सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम फ्रैंकलिन है। और बच्चे तुम्हारा नाम? अंकल मेरा नाम सिंचैन और इसका नाम चप। अब हम लोगों की टिकट आप चेक करो और हमें चुपचाप से बैठने दो। बिना टिकट चेक किए तो मैं तुम्हें वैसे भी नहीं बैठने दूंगा। बच्चे फटाफट से कोड एंड टिकट दोनों दिखा दो, उसके बाद तुम ट्रेन में बैठ जाना यार। अरे कोड, फ्रैंकल भैया कोड क्या था? और सिंचैन कमेंट चेक करो यार। अरे यार कमेंट चेक करो फ्रैंकल भैया, जल्दी बताओ कोड क्या है। सिंचैन कोड हाँ कोड है 7898। हाँ कोड याद आ गया मेरे को। वेरी गुड, कोड ना याद आता तो मैं तो अभी बच्चे को और डॉगी को ट्रेन से नीचे उतार देता और तुम्हारा टिकट, हाँ टिकट भी चेक हो गया। चलो ठीक है, तुम अपना लगेज और खुद बैठ जाओ, वरना अभी तो मैं तुम तीनों को यहाँ से उठा के बाहर फेंक देता और पुलिस को बुलाता और बोलता कि ये लोग नकली टिकट दिखा के ट्रेन में ट्रेवल करना चाहते थे। और अबे फिलहाल तो लेकिन तुम लोग बच गए हो, तो फटाफट से बैठ जाओ और मैं ट्रेन यहाँ से निकालता हूँ यार। गाइस ये ट्रेन ड्राइवर बड़ी डेंजरस थी यार, हमें बात बात पे धमका रहे थे। फ्रैंकल भैया वो तो सही है, हम लोग नकली में ट्रेवल करने नहीं आए, वरना आज तो हमें जेल जाना पड़ता है। और गाइस जेल से पहले मेरी ट्रेन ना छूट जाए, इसलिए मुझे सबसे पहले ट्रेन में बैठ जाना चाहिए। तो गाइस लो, मैं बैठ चुका हूँ। फिलहाल गाइस हमारी ट्रेन भी यहाँ से निकल चुकी है। तो गाइस आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और आपको भी ट्रेन जर्नी करना पसंद है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ बेल आइकन करना भी मत भूलना गाइस। सिंचैन कुछ खाए क्या? अरे चुप रुक जाए, पहले लॉस सैंटोस से बाहर से निकलने दे, अभी से ही भूख लग गया है और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। फ्रैंकल भी देख लो इस चुप को, अब ये खाने पीने की बातें बोल रही है यार। चुप, थोड़ा शांत बैठा रहे। और हाँ वैसे भी कोई काम तो करता नहीं, बस खाने में नजर रहती है, इधर देखना भी मत, ठीक है ना? फ्रैंकल भैया सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। चल चल, ट्रेन जैसी क्रॉस हो गए तब हम लोग खाना शुरू कर देंगे। ठीक है सिंचैन, तू इतना कह रहा है तो मैं तेरी बात मान ले रहा हूँ, वरना तो मैं अभी बैग फाड़ के सारा खाना खा लेता और उसके बाद मैं तुझे ट्रेन से नीचे फेंक देता। गाइस लिटरली में ये चोप बैग फाड़ता और मैं इसको नीचे फेंक देता। फ्रैंकल भैया छोड़ो ना, चलो गाइज हमारी ट्रेन ने स्पीड भी पकड़ लिया और आप लोग देख ही सकते हो हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए नॉर्थ यंगटन, बहुत मजा आएगा यार। हाँ सिंचैन, क्योंकि लॉस एंजेलस में वैसे भी काफी गर्मी पड़ रही है और गाइज यहाँ पे इतनी गर्मी है ना क्या ही बताऊँ, यहाँ तो बस पसीने ही पसीने निकल रहे हैं। लेकिन गाइज जहाँ पे मैं सिंचैन जा रहे हैं ना वहाँ पे गाइज स्नोफॉल एंड बर्फ गिरते रहते हैं और गाइज वहाँ तो इतना सारा स्नो है ना मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो सिंचैन को बहुत सारे स्नो फेंक के मारने वाला हूँ यार। फ्रैंकल भैया पहले पहुँचते जाओ तभी सारी बातें करना है। गाइज फ्रैंकल भैया तो इतने सारे खाली पकाओ पहले ही बना रहे हैं यार। नहीं सिंचैन हम पहुँच जाएंगे, तो लेट्स गो गाइज। अभी आप लोग देखो हमारी ट्रेन भी फुल स्पीड में लॉस एंजेलस से बाहर निकल रही है और गाइज अभी थोड़े देर में हमारी ट्रेन लॉस एंजेलस से बाहर निकल चुकी होगी और हम लोग जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन में
पहुंच जाएंगे यार। फ्रैंकल भैया, डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए मुझे लगता है कम से कम भी तो 6 से 7 घंटे लग ही जाएंगे। सिंचन सही कह रहा है, 6-7 घंटे तो लग ही जाएंगे। और गाइस ये देखो, बगल से हमारे एक स्टेशन निकल गया, लेकिन हमारी ट्रेन वहाँ पे रुकी नहीं। शायद वहाँ पे कोई पैसेंजर ना हो या ट्रेन का स्टॉपेज ना हो। जो भी हो गाइस, यहाँ बगल में एक और ये एक्सप्रेस ट्रेन है फ्रैंकल भैया, एक्सप्रेस ट्रेन। हमारी ट्रेन छोटे मोटे स्टॉपेज में नहीं रुकेगी, जहाँ स्टॉपेज होगा वहीं रुकेगी। शाबाश बच्चे, तुमको इतनी नॉलेज है ट्रेन के बारे में, वेरी गुड। और मैं आप सभी को बता दूं, हमारी ट्रेन सुपर फास्ट एक्सप्रेस है। ये अपने स्टॉपेज में रुकेगी या फिर कोई पैसेंजर होगा तभी, वरना ये ट्रेन नहीं रुकने वाली है। तो चलो आप लोग ये ट्रेन जर्नी एंजॉय करो। और हाँ, हमारी ट्रेन लॉस सैंटोस से बाहर निकलने वाली है। बस ये टनल एक बार क्रॉस हो जाए उसके बाद तो लॉस सैंटोस से हम लोग बाहर निकल चुके होंगे। अंकल हमें ये बात पता है क्योंकि हम लोग पहले भी ट्रेवल कर चुके हैं। हाँ सिंचन सही बोला, लेकिन अंकल तो हमारे से पहली बार मिले हैं ना, तो अंकल को थोड़ी पता है। वैसे गए अभी ना। अरे अरे बारिश हो रही है, अरे सब कुछ गीला हो जाएगा। फ्रैंकल भैया ये बारिश कहाँ से हो गई यार? गाइस एक मिनट, लॉस एंड्रोस में बारिश तो नहीं हो रही थी, जैसे ही टनल क्रॉस किया वैसे इतनी तेज बारिश आ रही है। लेकिन सिंचन टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है, हमारे सारे बैग्स ना वाटरप्रूफ है, एक भी सामान गीला नहीं होगा और सारा का सारा पानी बाहर रहेगा यार। फ्रैंकल भैया वाटरप्रूफ बैग ही तो अच्छा है। गाइस मैं तो अभी डर ही गया था। सिंचन आ जाओ कुछ खाते हैं, तुझे खाना है तो खा ले पक्का। हाँ हाँ तुझे खाना है तो खा ले, बस मेरे लिए और फ्रैंकल भैया के लिए छोड़ दियो। अच्छा ऐसी बात है तो रुक जा, मैं अभी खाता हूँ। ओ यार इसके अंदर तो बर्गर रखे हैं, रुक जा अभी खाता हूँ। नम नम बहुत टेस्टी है फ्रैंकल भैया तो। हाँ सिंचन ये तो सारे बर्गर खा रहा है। वेट सिंचन का बर्गर नहीं, सिंचन जल्दी भाग कर आ। अरे फ्रैंक भैया वो मेरा बर्गर खाएगा ही नहीं, चाहे आप कुछ भी बोल लो, क्योंकि चुप हमेशा छोड़ देता है खाना मेरे लिए। अरे हाँ सिंचन मैंने तेरे लिए और फ्रैंक भैया दोनों के लिए छोड़ दिया है, टेंशन मत। सिंचन आराम से, ट्रेन में पानी है तो फिसल जाएगा ना, तो नीचे गिर जाएगा यार। फिसलूंगा? अरे मैं क्यों फिसलूंगा, मैं तो चला इंजन के ऊपर। ओ ओ अरे ट्रेन को रुकवा फ्रैंकल भैया। अबे यार ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक मरवानी पड़ेगी, अरे रोको ट्रेन को। अरे बचाओ, ये क्या था, मैं बच गया? बच गया क्या? अरे ठीक है मैं जिंदा तो हूँ। अरे यार बहुत तेज चोट लग गई, मेरे तो पैर हाथ दोनों में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ पैर दोनों मुड़ गए फ्रैंकल भैया। सिंचन तू ठीक तो है ना, मैंने तुझे बोला था बारिश हो रही है पैर फिसल सकता है। वैसे गाइस मैंने ना इमरजेंसी ब्रेक मरवा दिया था और तभी सिंचन बच गया, वरना तो गाइस सिंचन यही रह रहा था। चल सिंचन बैठ जा फटाक से। अरे हाँ ठीक है मैं बैठता हूँ। ओह यार पूरा सर दर्द हो रहा है, अंकल ट्रेन चला दो हम लोग बैठ गए अंदर। ठीक है अभी चलाता हूँ। ऑल राइट, ये बच्चा थोड़ा नीचे गिर गया था, कोई बात नहीं बच्चे ऐसा होता रहता है। अरे सही हुआ गाइज, मैं पटरी में नहीं गिरा, मैं साइड में गिरा, पटरी में गिरता है तो और तेज चोट लगती है यार। सिंचन मैंने तो पहले ही समझाया था कि ट्रेन में मत भाग वरना चोट लग जाएगी या तो फिसल जाएगा, लेकिन मेरी बात तो मानी नहीं। गाइज मैं आप सभी को बता दूं, कभी भी हम लोग ट्रेन में या बस में या किसी भी ट्रांसपोर्ट में सफर करें तो हमें आराम से बैठ जाना चाहिए, कभी भागना नहीं चाहिए। सिंचन ज्यादा चोट आ गई क्या, हॉस्पिटल चले? अरे इतनी भी चोट नहीं लगी चुप, लेकिन यार दर्द थोड़ा थोड़ा हो रहा है मुझको। चलो ठीक है गाइस, वैसे भी लॉस सैंटोस से बाहर निकलते के साथ इतनी तेज बारिश आ रही है। सिंचन अभी ना भागियो मत, जहाँ भी जाना हो आराम से चलियो, वरना इस बार गिरा ना तो बहुत ज्यादा चोट लग जाएगी, ठीक है ना? फ्रैंकल भैया भागने की बात कर रहे हो, मैं तो सोच रहा हूँ नीचे सरक सरक के चलूं। ठीक है सिंचन जैसे चलना चल, लेकिन गिरियो मत, इस बार गिरा तो चोट बहुत ज्यादा लगेगी यार। पहले से तो अच्छे ही लग रहे फ्रैंकल भैया, एंड गाइस आप लोग देख ही सकते हो बारिश भी थोड़ी कम हो रही है। फ्रैंकल भैया चलो कुछ खाने पीने का सामान निकालो यार। सिंचन तुझे खाना है तो खा ले, मैंने तो पहले ही खा लिया था। सिंचन खाना खत्म, मुझे माफ कर दे। क्या खाना खत्म? फ्रैंकल भैया चुप को देख लो, इसने सारा खाना खा लिया यार। चुप तूने सारा खाना कब खा लिया? गाइस इसने तो छोड़ा था और मैंने भी देखा था, लेकिन चुप तूने खाना खाया तो खाया कब यार? फ्रैंकल भैया जब आप सिंचन को उठाने गए थे तब मैंने सोचा कि टाइम बचा है तो चलो खा ही लेता हूँ। गाइस यार लिटरली में ये चुप तो बहुत बड़ा भुक्कड़ है, और गाइस आप लोग भी जानते हो कि चुप बहुत बड़ा भुक्कड़ है, तो फटाफट टाइप कर दो चुप
द भुक्कड़िया। फ्रैंक भैया अब भूख लगी है गाइस, अब तो नॉर्थ हैंगटन में ही जाके खाना पीना होगा। वही चौब थोड़ा तो सोचा होता है, मैं इतना छोटा हूँ और फ्रैंक भैया भी हैं, हमारे लिए कुछ तो खाने का छोड़ा होता है। और यार टेस्टी इतना था कि मेरा मन ही नहीं माना, मैंने सोचा चलो खा लेता हूँ। तू खाते रहे, मैं तो चलो सोने, पूरा मूड खराब कर दिया चौब ने। चलो गाइस मेरे को लगता है मुझे सो जाना चाहिए अब। गाइस यार अचानक से इतनी ज्यादा तेज ठंड कैसे लग रही है? आई थिंक ये तो स्नोफॉल हो रहा है, और गाइस मुझे इसीलिए ठंड लग रही है। कोई बात नहीं, लेकिन हमारी ट्रेन अभी यहाँ क्यों रुकी है? एंगल भैया हमारी ट्रेन यहाँ पे 2 घंटे से रुकी हुई है यार। शिनचैन 2 घंटे से? मतलब गाइस मैं सो रहा था और मुझे पता भी नहीं चला। एंगल भैया मुझे लगता है आगे से सिग्नल नहीं मिल रहा होगा तभी ये ट्रेन रुकी हुई है। हाँ चौप शायद इसीलिए। गाइस यहाँ पे ट्रेन 2 घंटे से स्टॉप है लेकिन अभी तक आगे नहीं बढ़ रही। चलो आगे जाके देखते हैं हुआ क्या है यार। एक मिनट, मैं काम करता हूँ, लोको पायलट से पूछता हूँ कि ट्रेन कब चलेगी। यार सुनिए लोको पायलट। अरे ट्रेन के ड्राइवर सुनिए तो, ये ट्रेन चलेगी तो चलेगी कब यार? अरे ये बस हमें सिग्नल ही मिल रहा, वेदर ज्यादा ही खराब है, आगे स्नोफॉल के कारण स्नो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है पटरियों में, इसीलिए आगे काम चल रहा है, वो हट जाएंगे उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। वैसे गाइस इस ट्रेन के वजह से ना यहाँ देखो ट्रैफिक भी हो गया है, क्योंकि जब तक ये ट्रेन यहाँ पे खड़ी है वो जो कार्स खड़ी है ना वो इस ट्रैक को क्रॉस करेंगी नहीं। गाइस सबसे पहले ये ट्रेन निकलेगी। वेट, ये ट्रेन चलना स्टार्ट कर चुकी है। वेट गाइस सबसे पहले मुझे बैठना पड़ेगा वरना मैं रह जाऊंगा। अरे जल्दी बैठो, आप यार ट्रेन में ही रहा करो, कभी बाहर मत जाया करो यार। ऑलराइट गाइस अभी मैं बच गया। ए ट्रेन वाले तूने गलत किया, तूने मेरी गाड़ी को ठोक दिया, रुक आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। गाइस यार यहाँ पे क्या हो रहा है? शिनचैन आई थिंक यहाँ पे गैंग वॉर चल रही है। अरे फटाफट से ट्रेन भगाओ यार, यहाँ पे तो फायरिंग हो रही है। अरे फ्रैंक भैया, अरे हमारे ट्रेन ड्राइवर अंकल ने उस गाड़ी वाले को ठोक दिया है और इसीलिए उसकी गाड़ी का नुकसान हो गया। शिनचैन गलती ट्रेन की नहीं है, ट्रेन तो अपने ट्रैक में चल रही है, लेकिन ये कार वाले ने अपने कार को ना इस ट्रैक में लाके खड़ा कर दिया तो गाइस होता क्या? शिनचैन तू गिर क्यों रहा है यार? फ्रैंकल भैया क्योंकि मुझे मजा आ रहा है गिरने में। गाइस हमारे ट्रेन के डब्बों में भी बर्फ जम जा रही है और मैं उसी पे गिर जा रहा हूँ धड़ाम से। शिनचैन चोट नहीं लग रही? लग रही है ना, पर बहुत कम। गाइस बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। शिनचैन अब हम लोग कब तक नॉर्थ हैंगटन पहुँचेंगे? अरे मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी देर मतलब पहुंच जाएंगे, आधे घंटे में तो पहुंच ही जाएंगे ना फ्रैंक भैया? हाँ शायद आधे घंटे में या फिर उससे जल्दी भी। और गाइस आप लोग जरूर बताना कि आप लोग का हमारी ट्रेन जर्नी कैसी लगी, अच्छी लगी तो यस लिखना, और गाइस ज्यादा अच्छी लगी तो डबल यस लिखना, लेकिन मुझे पता है किसी को खराब नहीं लगी होगी। तो गाइस अभी ना हम नॉर्थ सेंटर में जल्द से जल्द पहुंचने वाले हैं। शिनचैन आराम से खड़ा रहे, इस बार फिसला ना तो सीधा बर्फ में जाके गिरेगा यार। फ्रैंकल भैया मुझे पता है, गाइस मेरा पेट गुड़ 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 कर रही है यार, मेरा मन खाना खाने का था लेकिन चौप वो भी चौप अकेले ने 3 लोगों का खाना खा लिया, मेरा भी फ्रैंकल भैया के भी, और कुछ खाना एक्स्ट्रा भी रखा था वो भी खा गया। चौप थोड़ा शर्म कर ले यार, तूने हम सबका खाना खा लिया है। और सॉरी यार मेरे को पता नहीं था ऐसा होगा। एंड गाइस अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके लिख दो चौप द भुक्कड़ बहुत गुस्सा आ रहा है, चौप मेरे पेट में दर्द हो रहा है भूख के मारी। हाँ शिनचैन तूने सही बोला, और गाइस ये चौप ना इतना बड़ा भुक्कड़ है मैं क्या ही बताऊँ, इसने शिनचैन का खाना खा लिया, जो शिनचैन बहुत छोटा बच्चा है, और गाइस ये चौप ना बहुत मोटा हो रहा है वो भी खा खा के। कोई बात नहीं बाद में खा लियो शिनचैन। गाइस यार नॉर्थ सेंटर में ना वेदर कुछ ज्यादा ही खराब था, पटरियों में बहुत सारे बर्फ थे, तो गाइस इसलिए इस ट्रेन से सारे डब्बों को अलग कर दिया गया, और गाइस हमें ना इस ट्रेन के इंजन के अंदर बिठा के यहाँ तक छोड़ा गया, और गाइस ये ट्रेन वापस जाएगी और उन डब्बों को लेके लॉस एंजेलिस लौट जाएगी। फिलहाल हम तो पहुंच चुके हैं नॉर्थ सेंटर, थैंक यू सर आपने हमें यहाँ तक छोड़ा। अरे कोई बात नहीं, ये कोई थैंक यू वाली बात नहीं है, ये तो मेरा काम था, और थैंक यू आपने लॉस एंजेलिस के रेलवे डिपार्टमेंट के इस ट्रेन में सफर किया। कोई बात नहीं, अभी फिलहाल हमारा सफर खत्म हुआ। शिनचैन अभी यहाँ से आगे जाने के लिए हमें कोई कार तो चाहिए। गाइस सबसे पहले मुझे कार ढूंढनी पड़ेगी, उसके बाद सारा लगेज
उस कार में लोड करके हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा यार। फ्रैंकलिन भैया जल्दी गाड़ी लेके आओ, मैं और चब अब ठंडी में नहीं रह पाएंगे। अरे हाँ जल्दी लेके आओ, मुझे तो लगता है मेरी कुल्फी बन जाएगी यार। चौपर सिंचन थोड़ा वेट करो, बस मैं कार को देख ही रहा हूँ कि यहाँ पे आसपास में कोई कार है भी कि नहीं। गाइस लिटरली में मैंने बहुत ढूंढा लेकिन हमें आसपास में कोई कार नहीं मिली। वेट, वो सामने एक कार रखी हुई है, शायद ये कार चलती हो, एक बार चेक करना पड़ेगा। कार ठीक होगी तो ठीक है। और गाइस ये कार स्टार्ट हो चुकी है और ये चल भी रही है। सिंचन मैं अभी आया। गाइस अभी फटाफट से जाते हैं सिंचन के पास, सारा लगेज इस कार में लोड करते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं। सिंचन मैं कार लेके आ गया यार। ठीक है फ्रैंकलिन भैया, चल जब हम लोग फटाफट बैठते हैं। और हाँ सही बोला, बैठने से पहले लगेज तो रखो तभी तो बैठोगे। ऑलराइट गाइस, अभी लगेज भी रख दिया है, चौब भी बैठ गया है और सिंचन भी बैठ गया है। और वो देखो ट्रेन, उसे क्या हो गया? आई थिंक कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है इसलिए वो ट्रेन ऐसे जा रही है। अरे फ्रैंकलिन भैया बर्फ इतनी सारी है ना, इसलिए इंजन फिसल रहा है। देखो गाइस हमारी ट्रेन तो जा रही है और हम लोग भी नॉर्थ एंगटन में आ गए हैं। ऑलराइट गाइस, तो फिलहाल लॉस एंटोस में इतनी गर्मी थी तो हमें नॉर्थ एंगटन आना पड़ा। और गाइस यहाँ पे देखो स्नोफॉल कितनी बढ़िया हो रही है और हमें ठंड भी लग रही है। तो चलो यहाँ से अभी निकलते हैं। और गाइस आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो और हमारी ट्रेन जर्नी अच्छी लगी हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। और गाइस आपको मौका मिले फ्री जर्नी का तो आप लोग कहाँ जाओगे ये फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता देना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस बाय बाय।